लॉकडाउन में अवैध शराब की तस्करी और अवैध शराब पर पूरी तरह लगाम कसते हुए सिटी मुरादाबाद के एएसपी दीपक भूकर ने एसएसपी अमित पाठक के निर्देश पर आबकारी की टीम के साथ सोमवार को आदर्श कॉलोनी में बड़ी दबिश दी। पुलिस टीम अपने वाहनों को नई तहसील के सामने खड़ा कर पैदल ही कॉलोनी में घुसे और कॉलोनी को चारों ओर से घेर कर दबिश दी। पुलिस ने इस देशबंदी के बीच बनाई जा रही अवैध कच्ची शराब बनाने वालों की धरपकड़ के लिए टीम को चार हिस्सों में भेजा था। इस दौरान हर गली में मौजूद एक घर से शराब बंदी पाई गई। पुलिस ने मौके पर ही शराब की भट्टियां तोड़ डाली और हजारों लीटर लाहन रस कर डाला। एएसपी दीपक भूकर ने बताया कि आदर्श नगर में दबिश के दौरान कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आबकारी विभाग की ओर से इंस्पेक्टर शिखर कुमार श्रीवास्तव विक्रम कुमार सहित भारी फोर्स मौजूद रही। कितने लोग गिरफ्तार होंगे? गिरफ्तारियों में कुछ नहीं हुई है, हम चेकिंग करवा रहे हैं। कुछ लहन और भट्टियाँ मिल रही हैं तो उन सबको हम डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। लहन और डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है, घर घर में चेकिंग करवा रहे हैं। अभी गिरफ्तारी वगैरह उसकी डिटेल नहीं मिल रही? नहीं, अभी कुछ। थैंक यू सर।